नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी को जब भी आप खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे कि दीवार घड़ी जो दुकान में लगी होती है विज्ञापन के रूप में, उसमें हमेशा 10:10 ही क्यों दिखता है। तो आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि आखिर घड़ी में 10:10 ही क्यों दिखता है। विज्ञापन के माध्यम से हम किसी भी सामान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ऐसे में लोग विज्ञापन के माध्यम से भी सामान को खरीदते हैं, लेकिन इन्हीं विज्ञापन के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम आपको घड़ी के इस विज्ञापन के बारे में बताते हैं। ज़रा सोचिए, आपने अक्सर देखा होगा कि घड़ी के विज्ञापनों में 10:10 का समय ही हमेशा क्यों दिखाया जाता है। आपने कभी सोचा होगा कि हमने घड़ी के विज्ञापन में हमेशा 10:10 ही क्यों दिखाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे इस पूरे विज्ञापन के बारे में। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो घड़ियों में हमेशा 10:10 रहने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि घड़ी में 10:10 पर घड़ी सिमेट्रिकल नज़र आती है। ऐसे में समरूपता का ध्यान मनोविज्ञान के नज़रिए से बेहतर माना जाता है। कहा जाता है कि इंसान को वो चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद होती है जो सिमेट्रिकल होती है। साथ ही साथ 10:10 पर के समय सुइयां सबसे ज़्यादा संतुलित नज़र आती है। एक दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि 10:10 पर घड़ी को अगर आप देखेंगे तो इसमें स्माइली का लुक दिखाई देगा, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सोशल मीडिया पर करते हैं। स्मार्टफोन आ जाने के बाद से लोगों के बीच में स्माइली काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जाता है कि दुकान में जब भी कोई घड़ी विज्ञापन के लिए लगी होती है तो देखने पर लगता है कि वह मुस्कुरा रही है। ऐसे में घड़ी खरीदने वाले के लिए उस घड़ी को लेकर सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है तो वह 2 उंगलियों का निशान दिखाता है, जिसे हम विक्ट्री कहते हैं, यानी कि वह वी आकार का साइन बनाता है। अगर हम इस विक्ट्री को ठीक से समझेंगे तो इसमें भी 10:10 का समय दिखाई देगा। अगर आप 10:10 को देखेंगे तो आपको विक्ट्री का साइन दिखाई देगा। तो ऐसे में यह भी एक सकारात्मक दिशा की ओर दिखाता है, यह भी जो है पॉजिटिविटी को दिखाता है। घड़ी में 10:10 को लेकर कई तरह के अफवाहें भी हैं, जैसे कि यह कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन की मौत भी इसी समय हुई थी। लेकिन आप सच्चाई को जानेंगे तो यह बताया गया है कि लिंकन को गोली रात को 10:15 पर मारी गई थी और उनकी मौत सुबह के 7:22 पर हुई थी। इसी तरह से एक दूसरी अफवाह यह भी है कि विश्व में सबसे खतरनाक धमाकों में एक हिरोशिमा नागासाकी का धमाका है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह घटना भी 10:10 पर हुई थी, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि यह सुबह के 11:02 पर यह घटना हुई थी, ना कि 10:10 पर। घड़ी में 10:10 पर एक मतलब यह भी बताया जाता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करती है, इसकी वजह यह भी है कि घड़ी का पूरा नज़ारा दिखता है। यही नहीं, आमतौर पर रिस्ट वॉच में, यानी कि जो रिस्ट घड़ी होती है, उसमें 3, 6 और 9 की जगहों पर तारीख दर्शाई जाती है। अमूमन हम देखते हैं कि कई जगह जो है घड़ियों में तारीख भी जो है वहाँ पे दिखाया जाता है। तो उसका जो स्थान होता है जहाँ पे 3 की सुई होती है, 6 और 9 की जगहों पे ये तारीख जो है दिखाई जाती है। तारीख दर्शाने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे 3, 6 और 9 के पास ही दर्शाया जाता है। तो ऐसे में एक तरह से कह लें कि यह जो है घड़ियों को लेकर एक विज्ञापन है, जिसमें कि 10:10 की बात जो है, हम अमूमन किसी भी घड़ी की दुकान में जब जाएंगे तो उसमें से 90% ऐसी घड़ियां होंगी जिसमें कि 10:10 पे वो जो है सुई रुकी होती है। तो उसके कई अपने मायने और मतलब है, जिसके बारे में हमने आपको इस पूरे वीडियो में बताया। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।